आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव है और प्राइम टीवी की टीम की आपसे खास गुजारिश, अगर आपके जिले में भी हो रहा है आज मतदान तो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मतदान आपका हक है। यूपी में तीसरे चरण और पंजाब में आज वोटिंग का दिन है। कुल 176 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। यूपी की बात करें तो हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, देहात नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में वोटिंग होनी है। वहीं पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बात पंजाब की करें तो पंजाब में 117 विधानसभा सीटों के कुल 24,740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तीसरे चरण का चुनाव 16 जिलों के 59 सीटों पर होना है। 627 कुल उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अगर बात उत्तर प्रदेश की हम करें तो अवध, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड में मतदान है। वहीं पश्चिमी यूपी में कुल 5 जिले हैं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस। अवध की बात करें तो अवध में कुल 6 जिले हैं, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा। वहीं बात अगर बुंदेलखंड की करें तो बुंदेलखंड में कुल 5 जिले हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। वहीं अगर कुल मतदाता की बात करें तो थर्ड फेज में कुल 2,15,75,000 मतदाता है। वहीं बात तो अगर पुरुष मेल वोटर्स की करें तो 1,16,12,000 पुरुष यानी कि मेल मतदाता है। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर 1,96,000 है। वहीं कई सीटें इस बार हॉट सीट बनी हुई है। बात अगर जसवंत नगर की सीट की करें, करहल की करें, तो ये सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं इस बार। तीसरे चरण का चुनाव 16 जिले के 59 सीटों पर होने वाला है। 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। वही अलग अलग जगह से हम आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में फिरोजाबाद से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या कुछ अभी पोलिंग बूथ पे अपडेट है, लोग आना शुरू हो गए हैं? देखिए, सुबह से ही पोलिंग बूथ पे वोट डालने के लिए लोगों का उत्साह इतना ज्यादा है कि सुबह से ही पोलिंग बूथ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, सुबह से ही लोग पोलिंग बूथ पे नजर आने लगे। संजीव, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं कोविड गाइडलाइन के पालन के लिए, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? कोविड गाइडलाइन के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पे बीएलओ को तैनात किया गया है, उनको मास्क, सैनिटाइजर और साथ में ग्लव्स भी दिए गए हैं। जी, कौन कौन से दिग्गज वहां से चुनावी मैदान में है? देखिए, फिरोजाबाद की अगर पांचों विधानसभा सीटों की बात करी जाए तो सबसे हॉट सीट जो यहाँ की बनी हुई है वो सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र की जो सीट बनी हुई है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हरिओम यादव, जो कि अब कमल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। जी, वहाँ के लोग इस बार किस मुद्दे पे वोट देने वाले हैं? संजीव, क्या आपने वहाँ पे लोगों से बातचीत करी? देखिए, लोगों से बातचीत करने के बाद उनका स्पष्ट कहना है कि देखिए, विकास के नाम पे जो यूपी की राजनीति, जो विकास के नाम पे जो चलने वाली थी वो नहीं चलती नजर आ रही है। एक बार फिर वही जातीय समीकरण के ऊपर पूरा चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है एक तरीके से। तो वहाँ के लोगों का मुद्दा अभी भी सामने नहीं आया कि किन मुद्दों पे। अच्छा, वहाँ की महिलाओं से क्या आपने कुछ बात करी कि वहाँ की महिलाओं का क्या मुद्दा है? क्योंकि बात अगर पहले दो चरणों की करें तो महिलाएं शांत वोटर के रूप में बाहर आई हैं, वो शांति से वोट दे रही थी, वो कुछ कह नहीं रही थी, तो क्या महिलाओं का क्या कुछ अपना मुद्दा है? संदीप, देखिए, महिलाएं बिल्कुल साइलेंट वोटर की तरह इस चुनाव में नजर आ रही हैं। उनका कुछ कहना ही नहीं है, महिलाएं पूरी तरीके से बिल्कुल शांत हैं और ये देखने वाली चुनाव इस बार की बात होगी कि तीसरे चरण में महिलाओं का वोट किस तरफ जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, हम जल्द ही जुड़ेंगे आपसे। तीसरे चरण का चुनाव 16 जिलों के 59 सीटों पर है, 27 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में। अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में भी आज 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। कुल 2,470 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शाम
6 बजे तक, सुबह 8 बजे से यह चुनाव होना है। वहीं अगर बात करें यूपी के जिलों की तो यूपी के कई जिलों में होने हैं, वहीं हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में वोटिंग होनी है। वहीं प्राइम टीवी की आपसे खास गुजारिश, अगर आपके जिले में भी हो रहा है मतदान तो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आज पंजाब में भी वोटिंग हो रही है, अगर बात किया जाए पंजाब में तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, अमरिंदर सिंह बीजेपी का चेहरा है, या अकाली दल भी कहीं पीछे नहीं है। अकाली दल भी अपने पूरे बीएसपी अकाली दल अपने पूरे जोर आजमाइश के साथ चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी यह चुनाव काफी अहम बना हुआ है। जिस तरह से पहले भी कई बयान सामने आए, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो प्रियंका गांधी को लेकर के कहा था कि पंजाब की वो बहू है, इस पे भी राजनीति काफी गर्माई थी। यहां से कई विपक्ष के नेताओं ने भी निशाना साधते हुए कहा था कि किस तरह की बातें कर रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस पे हमेशा से विपक्ष हमलावर रहा है। तो वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में आज 16 जिले के 59 सीटों पर चुनाव होने हैं। 227 उम्मीदवारों की किस्मत आज दाव पर है, 227 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में लॉक हो जाएगी। 10 मार्च को यह फैसला सामने आएगा कि जनता ने अपने विकास के लिए किसको चुना है, आगे जनता 5 साल और किसको मौका देगी विकास के लिए। वहीं अगर बात किया जाए तो अवध, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड में मतदान है। पश्चिमी यूपी में 5 जिले हैं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस। वहीं अगर बात किया जाए अवध की तो अवध में 6 जिले हैं, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा। बात अगर बुंदेलखंड की करें तो बुंदेलखंड में कुल 5 जिले हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। आपको बता दें कि कुल मतदाता तीसरे फेज के, तीसरे चरण के चुनाव में 2,15,00,000 लगभग 75,000 हैं। वहीं अगर बात पुरुष मतदाताओं की किया जाए तो पुरुष मतदाता 1,16,12,000 है। बात अगर थर्ड जेंडर की किया जाए तो थर्ड जेंडर 1,96,000 कुल लगभग वोटर्स हैं। वहीं हॉट सीट जो सबसे ज्यादा बना हुआ है करहल की अगर बात किया जाए तो करहल में लगभग 1,44,000 से अधिक यादव वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात करें, करहल सीट की हम बात कर रहे हैं, वही करहल सीट पर अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 14,000 वोटर्स। वही अगर अन्य जातियों की बात करें तो अन्य जाति में ठाकुर, ब्राह्मण, शाक्य 1,50,000 के पास वोटर्स है। करहल सीट हमेशा से यादव का गढ़ माना जाता है, यादव लैंड कहा जाता है करहल। लेकिन जिस तरह से इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अखिलेश यादव किस तरह से हॉट सीट करहल बना हुआ है, वहीं करहल में भी एसपी सिंह बघेल को भाजपा ने उतारा है। जिस तरह से भाजपा ये कहते हुए नजर आई है कि 300 के पार हम करेंगे सीट, लेकिन सबसे अहम बात जो सामने आई वो ये आई है कि अमित शाह गृह मंत्री द्वारा कहा गया था कि असल जीत तो करहल की सीट पर होगी, भारतीय जनता पार्टी करहल की सीट पर जीत दर्ज करेगी। तो जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी पर हमलावर रही है, तो वहीं यूपी में आज तीसरे चरण का चुनाव है, सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका है। वहीं हमारे संवाददाता हमीरपुर से ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, वहां के मतदान केंद्रों पर लोग आना शुरू हो गए हैं? जी, आपको बता दूं कि मैं इस समय हमीरपुर जिले के मौदहा विकास खंड के रोहारी गांव में मौजूद हूं। यहां पर आप तस्वीरें खुद देख सकती हैं कि यहां पर सुबह से ही मतदाताओं का आना जाना शुरू हो गया है। यहां मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि यहां तकरीबन 1% मतदाता पोलिंग बूथ पर आ चुके हैं और अपने अपने मतदान डालना शुरू कर चुके हैं। जी, वहां के लोग किस मुद्दे पर इस बार वोट दे रहे हैं, ये जानने के लिए हमें मतदाताओं से ही बात करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ब्रजेश, आप मतदाताओं से बात करें और जाने कि इस बार वहां के मतदाताओं का मुद्दा क्या है, ये जानने के लिए हम सीधा मतदाताओं के पास पहुंचते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार इन मतदाताओं का क्या है मूड और किन मुद्दों पर ये चुनाव करने वाले हैं। अपनी बात, आपका क्या नाम, क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं आप, वोट डालने आए हैं सुबह से ही, आपका क्या मुद्दा है, अपनी बार किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं?
चलिए खैर दूसरे साथी से हम बात करने की कोशिश करते हैं, और भी तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? इंसाफ अली नाम है मेरा। आपकी बार आप वोट डालने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वोट डालने में? वोट डालने में बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है, इसके लिए हम लोग पार्टी बदलना चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर कि अगली बार आप वोट करना चाहते? बहुत मुद्दे हैं इसमें, कौन से विकास कुछ नहीं है गाँव के अंदर, न कुछ भी है। अगर ये इस गांव की बात करी जाए तो इस गांव के खास तौर से मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं इस गांव की? इस गांव की बहुत सी समस्याएं हैं, कोई भी चीज देखो कोई में हो रहा है, हर चीज में वो है, इसमें मुद्दाएं बहुत सी हैं। चलिए और भी साथी हमारे साथ यहां मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। एक युवा साथी हमारे साथ इस समय मौजूद है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? प्रमोद। अब की बार आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं? खैर ये साथी भी नहीं कुछ बोल सकते हैं, दूसरे साथी एक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं हम। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम विमल सिंह है। अच्छा, अब की बार आप किन मुद्दों को वोट करने वाले हैं? हम तो यही चाहते हैं जैसे अभी हमें मिलता रहा है, यही प्रकार के मिलता रहा है, और ये जो गुंडागिरी चलती रही है पहले इस सरकार में नहीं चली है, बस ऐसा ही होना चाहिए। अगर खास तौर से इस गांव के विकास की बात की जाए तो इस गांव के विकास की क्या है? देखो विकास के लिए तो जैसे हमारे प्रधान जी हैं, वो जब चाहेंगे तो विकास होगा, नहीं हम कह दें कि मुख्यमंत्री वहां बैठा है, वहां बैठने से उससे कोई हमें लाभ नहीं, जब तक हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी तो कुछ नहीं होगा, चाहे हम कह रहे हैं मोदी मुख्यमंत्री बने चाहे कोई भी बने, तो उससे कोई हमें वो नहीं मिलेगा लाभ। नहीं पहली बार नहीं कर रहे, पहले भी कर चुके हैं। यहाँ के लोगों से हमने बात करी, यहाँ के मतदाताओं से बात करी, तो यहाँ के मतदाताओं की अगर मानी जाए तो यहाँ क्षेत्र में विकास सबसे बड़ा एक मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर के यहाँ के लोग अब की बार मतदान करने वाले हैं। जी जी, वहाँ के लोग खासा नाराज भी दिख रहे हैं, इनकी नाराजगी की वजह क्या है ब्रजेश? कौन कौन से वहाँ पे कैंडिडेट चुनावी मैदान में है? कैंडिडेटों की अगर बात करी जाए तो यहाँ से बीएसपी ने रामफूल निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है, तो भाजपा ने मनोज कुमार प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस से अशोक सिंह चंदेल की पत्नी राजकुमारी सिंह चंदेल मैदान पर हैं, और सपा से रामप्रकाश प्रजापति मैदान पर हैं। तो इसमें जो है खासा जो है तीनों में टक्कर दिखाई दे रहा है, बीएसपी कहीं ना कहीं दावेदार भी है क्योंकि यहाँ बीजेपी और सपा में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। जी जी, वहां पर प्रशासन की तरफ से वोटर्स के लिए क्या व्यवस्था है और कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरह से किया जा रहा है? वोटर्स की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पोलिंग बूथ में यहाँ मतदान करने के लिए आने वालों के लिए को ये मास्क सैनिटाइजर इत्यादि सब पानी शौचालय आदि तमाम सारी व्यवस्थाएं यहां पर करी गई है मतदाताओं को मतदान करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए चुनाव आयोग की नीतियों पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां करी हुई है। जी जी ब्रजेश, दिव्यांग जनों के लिए क्या अलग से कुछ व्यवस्था की गई है वहां पे वोट डालने के लिए? ब्रजेश, बात अगर दिव्यांग जनों की करें तो दिव्यांग जनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है वहां पर मतदान केंद्रों पर? दिव्यांग जनों की अगर मत की बात करी जाए तो उनके लिए यहां व्यवस्था करी गई है, और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करी जाए तो जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ जिले की अगर बात करी जाए तो जिले में 972 पोलिंग बूथ हैं, इन पोलिंग बूथों पर यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल और पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की चुनाव में गड़बड़ ना हो सके। जी जी ब्रजेश, थोड़ी देर में जुड़ेंगे आपसे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव ने आज सफाई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है, साथ ही उन्होंने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी जीत मिली ऐसा देखने को मिल रहा, उनका यह बयान भी आया है। वही अगर बात कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की करें तो सतीश महाना भी मतदान कर चुके हैं, महाराजपुर के हरजेंद्र इंटर कॉलेज में उन्होंने मतदान किया, साथ ही सतीश महाना ने अपने मत का प्रयोग किया। मंत्री सतीश महाना ने वोट करने की भी अपील की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मतदान किया, कायमगंज में लुईस खुर्शीद ने भी मतदान किया, यह लुईस खुर्शीद सलमान खुर्शीद की पत्नी है। लगातार अब सभी नेता भी
मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, राजनेता नेता राजनीतिक लोग भी मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि मतदान जरूर करें। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव ने आज सफाई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की कि समाजवादी पार्टी को भारी वोटों से विजयी बनाए। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने भी आज मतदान किया। महाराजपुर के हरजेंद्र इंटर कॉलेज में इन्होंने मतदान किया। सतीश महाना ने अपने मत का प्रयोग किया। सतीश महाना ने लोगों से अपील भी की मतदान करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी अब मतदान किया। कायमगंज में लुईस खुर्शीद ने भी मतदान किया। आपको बता दें लुईस खुर्शीद सलमान खुर्शीद की पत्नी है। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। तीसरे चरण का चुनाव 16 जिलों के 59 सीटों पर होगा। 627 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में है। वहीं अवध पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड में यह मतदान होना है। वहीं कई सीटें इस बार हॉट सीट बनी हुई है। बात अगर करहल की करें, जसवंत नगर की करें, तो ये सीटें हॉट सीट बनी हुई है। कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कुल 26 दिग्गज चुनावी मैदान में है, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बात अगर करहल सीट से करें तो करहल सीट से अखिलेश यादव हैं सपा से। वहीं एसपी सिंह बघेल भाजपा से हैं करहल सीट से। दूसरे दिग्गज की बात करें शिवपाल यादव, जो एक बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी का, वो करहल शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से। वही भारतीय जनता पार्टी से जसवंत नगर सीट पर विवेक शाक की हैं। बात अगर मंत्री सतीश महाना की करें, जो अभी मौजूदा सरकार में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, तो महाराजपुर से। वहीं फतेह बहादुर सिंह गिल सपा से महाराजपुर सीट पर उनके सामने हैं। बात अगर सलीस विश्नोई की करें, तो सलीस विश्नोई भाजपा के सीसामऊ सीट से चुनावी मैदान में है। वहीं हाजी इरफान सोलंकी सपा से सीसामऊ सीट से चुनावी मैदान में है। बात रामबीर उपाध्याय की करें, तो रामबीर उपाध्याय भाजपा से सादाबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। वहीं इनके ऑपोजिट में जो खड़े हैं प्रदीप चौधरी गुट्टू रालोद से सादाबाद विधानसभा सीट से खड़े हैं। वहीं लुईस खुर्शीद की अगर बात करें, तो लुईस खुर्शीद कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। फरुखाबाद सीट से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी भाजपा से फरुखाबाद मैदान में। बात अगर असीम अरुण की करें, असीम अरुण भी एक चर्चित नाम रहा है। चुनाव से पहले भी असीम अरुण का नाम चुनावी चर्चा में रहा है। तो वहीं असीम अरुण भाजपा से कन्नौज सीट से है। वहीं हमारे संवाददाता लगातार आपसे जुड़ रहे हैं, ग्राउंड से ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो वहीं ललितपुर से संवाददाता अंशुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, वहां के मतदान केंद्रों पर क्या कुछ सुविधाएं मतदाताओं के लिए? जी मैम, ललितपुर में बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 11,000 पुलिस बल जो है यहाँ ललितपुर जनपद में तैनात है। यहाँ पर दो विधानसभाएं हैं, सदर ललितपुर 226 विधानसभा और एक है ललितपुर मेहरौनी 227 विधानसभा। दोनों विधानसभाओं में लगभग 11,000 पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं। चप्पे चप्पे में पुलिस मौजूद है। यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। यहाँ पर जो मतदाता है दिव्यांग है, उनके लिए ट्राई साइकिल भी है, अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। जी, ललितपुर में कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में हैं? मैम, अगर दिग्गज की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम ललितपुर सदर विधानसभा की। यहाँ पर अभी वर्तमान में सेटल विधायक हैं। ललितपुर की दोनों सीटों पर बीजेपी का वर्तमान में कब्जा है, लेकिन इस बार यहाँ पर जो निर्णायक मतदाता है कुशवाहा समाज का वोट है, उनको टक्कर देने के लिए यहाँ पर जो राजनीति के पुरोधा कहे जाते हैं, ललितपुर से दो बार सांसद चुने गए जो सुजान सिंह बुंदेला, उनके पुत्र गुड्डू राजा बुंदेला यहाँ पर बीएसपी से बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मैम, अगर अंशुल अगर बात किया जाए दिग्गजों की, तो ये रहे दिग्गज, लेकिन वही जनता का क्या मत है? जनता किन मुद्दों पर इस बार मतदान केंद्र पर आई है और किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट देगी? जी, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रोजगार का है, यहाँ पर विकास का है, यहाँ पर सड़कें जो पहले जो बीजेपी प्रत्याशी बताते थे। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी चुनावी जो दौर चल रहा था, अभी प्रत्याशी मैदान में जा रहे थे, वोट मांगने जा रहे थे, तो यहाँ पर जो सेटल विधायक हैं दोनों सीटों पर, इनका लोगों ने मतदाताओं ने काफी विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार तो सही है, लेकिन जो यहाँ पर प्रत्याशी जो दोबारा से उतारे गए हैं, उनसे कहीं ना कहीं जनता नाखुश दिखी। कई वीडियो वायरल हुई, जनता इस बार
जो चुनना चाहती है, विकास पुरुष को चुनना चाहती है, जो क्षेत्र की जनता को रोजगार दे, विकास करे, यहाँ की टूटी फूटी सड़कों को मरम्मत कराए, यही सब विकास के मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है। अच्छा अंजुल, अगर महिला वोटर्स की तरफ रुख किया जाए तो महिला वोटर एकदम से शांत वोटर्स के रूप में सामने आ रही है। 2019 के चुनाव में भी मोदी जी ने ये कहा था कि तीन तलाक उन्होंने हटाया और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इसका सीधा सा प्रभाव पड़ रहा है मैम। जिस तरीके से जो निर्णायक वोट है, शांत वोटर है, महिला वोट है, वो इस बार कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में भी ज्यादातर वोट जा रहा है जो बिल्कुल शांत वोट है। उनका कहना है कि महिलाओं को इस सरकार में सम्मान मिला है, इसलिए कहीं ना कहीं ज्यादातर वोट जो शांत है वो इस सरकार के समर्थन में भी जा रहा है। अंशुल, क्या आपने वहां पे लोगों से बात करी, मतदाताओं से बात करी, उनका क्या कुछ मत है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं कि वो किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं? उनका यहाँ पर युवाओं से जब हमने बात की मैडम, तो युवाओं का कहना है कि उनका मुद्दा रोजगार है, उनको नौकरी की आवश्यकता है। वहीं यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ पर सड़कें की मरम्मत सही चाहिए, जहाँ जल की व्यवस्था नहीं है, कई गांवों में पेयजल की समस्या होती है, दो दो गांव, तीन तीन गांव एक साथ पूरे, बिजली की यहाँ पर समस्या बनी रहती है, तमाम यहाँ पर समस्याएं हैं। विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ खास काम उतने नहीं हुए हैं जितनी अपेक्षाएं उम्मीदें लोगों को, जनता को, जनप्रतिनिधियों से थी। अगर बात ललितपुर की जनता की जाए तो ललितपुर की जनता का इस वक्त जो अहम मुद्दा आपने बताया, जो वहाँ की युवा से आपसे बात करके सामने है, रोजगार है, वहाँ की युवा का रोजगार है, तो रोजगार एक अहम मुद्दा बना हुआ है। वही अगर बात महिला वोटर्स की जाए तो आपने पहले ही अंशुल बताया कि महिला वोटर एक साइलेंट वोटर के रूप में सामने आ रही है, जैसा कि 2019 के चुनाव में भी पहले हो चुका और पहले दो चरणों में भी अंशुल ऐसा देखा गया है कि महिला एक शांत वोटर के रूप में सामने आ रही है। अंशुल, वही बात अगर दिव्यांगजनों की जाए तो दिव्यांगजनों का क्या कहना है, वो उनके क्या मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था है आपके मतदान केंद्र पर? जी मैम, बता दें, बीते दिन हमने कुछ ऐसे मतदाताओं से भी बात की थी जो 80 प्लस थे, जो दिव्यांग थे, उनमें से कई मतदाता जो ऐसे हैं जो पहले भी वोट कर चुके हैं, उनको घर जाके पोस्टर बैलेट के जरिए यहाँ पर मतदान कराया गया था। चुनाव निर्वाचन ने एक बार इस बार खास व्यवस्था की थी, उनको घर पर जाकर पोस्टल बैलेट से उनके जो है मतदान कराए गए थे। ऐसे मतदाताओं से हमने बात की जो 80 प्लस हैं, वोटिंग कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हमने विकास के नाम पर वोट दिया है, जिन्होंने हम दिव्यांगों को और जो हम सीनियर सिटीजन को सम्मान की बात की, हमारे लिए जो योजनाएं जो देगा उसके लिए हमने वोट दिया है, और ऐसे ही लोगों को वो चुनने जा रहे हैं। जो यहाँ पर कुछ लोग रह गए हैं उनके लिए यहाँ पर ट्राई साइकिल भी हैं, कई व्यवस्थाएं जो हैं, पानी की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, शौचालयों की मतदान केंद्रों पर अच्छी ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं। अंशुल, महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था की गई है उनकी सुरक्षा को नजर में रखते हुए? सुरक्षा को नजर में रखते हुए यहाँ पर अलग अलग महिलाओं की लाइन लग रही है, जो यहाँ पर मैं यहीं पर GGIC जो है पोलिंग बूथ बनाया गया मेरे बगल में, मैं वहीं खड़ा हूँ। इसके बगल में जस्ट PN इंटर कॉलेज है, उसको भी बूथ बनाया गया है, 474, 75, 76 GGIC के ये बूथ हैं। अभी मैंने यहाँ पर देखा महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइनें लग रही हैं। इस बार कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए खासकर व्यवस्था की गई है मैम, यहाँ पर जो भी मतदाता जा रहे हैं बिना मास्क के उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, सैनिटाइजर हो रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी हो रही है, वहीं ग्लव्स पहना कर इस बार मतदान किया जा रहा है। जी अंशुल, अगर देखा जाए तो ललितपुर की मतदान केंद्रों पर प्रशासन भी काफी अलर्ट दिख रही है। जी, 11,000 मैडम प्रशासन के जो पुलिस फोर्स है, 11,000 है जिले में, जो चप्पे चप्पे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे हैं मतदान केंद्रों पर। यहाँ पर पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, जहाँ पर पीठासीन अधिकारी से लेकर सारे पोलिंग कर्मचारी भी महिला हैं। यहाँ पर नगर क्षेत्र का कॉलेज है जो जेल चौराहे के पास है ललितपुर सदर विधानसभा में, उसको पिंक बूथ बनाया गया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर महिला ही जो सुरक्षा बल है, हर बूथ पर महिला सुरक्षा बल भी है और पुरुष सुरक्षा बल भी तैनात है। अंशुल, कई जगह से खबर आ रही है ईवीएम खराब होने की, क्या ललितपुर के किसी मतदान केंद्र से ऐसी कोई सूचना नहीं? अभी तक ऐसी कोई खबर ललितपुर से नहीं है कि ईवीएम खराब हो मैम, ललितपुर से अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है।
जी अंशुल, हम थोड़ी देर में आपसे फिर से जुड़ेंगे। आप बिल्कुल वहां के मतदाताओं से बातचीत करते रहिए और हमें बताते रहिए कि ललितपुर में किस तरह से चुनाव हो रहा है। हमारे मतदाता लगातार आपके साथ अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों के मतदान केंद्रों से जुड़ रहे हैं और वहां की जमीनी रिपोर्ट आपसे बता रहे हैं। आमने सामने किस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं, 10 मार्च को यह पता चलेगा कि किसकी सरकार बनी है, जनता ने किस पे भरोसा दिखाया। सभी लोगों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तीसरे चरण का चुनाव आज उत्तर प्रदेश में 7 बजे से शुरू हो गया है। तीसरे चरण का चुनाव 16 जिलों की 59 सीटों पर होगा। 627 कुल उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अवध पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड में मतदान हो रहा है। पश्चिमी यूपी में कुल 5 जिले हैं, वहीं अवध में कुल 6 जिले हैं। बात अगर बुंदेलखंड की करें तो बुंदेलखंड में कुल 5 जिले हैं। कुल मतदाता तीसरे फेज में 2,15,75,000 है। वहीं कहीं ना कहीं इस बार मतदाता चुनाव के मुद्दों पर, चुनाव में रोजगार के मुद्दों पर वोट दे रहा है, विकास के मुद्दों पर वोट दे रहा है। जनता काफी अब सतर्क हो गया है। जनता को अपना विकास, जनता को आगे बढ़ना है। युवाओं में खासा अपने रोजगार को लेकर के चिंता है। तो वहीं इस बार कई सीटें हॉट सीट भी बनी हुई है। बात अगर करहल सीट की करें तो करहल सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जोर आजमाइश कर रहा है। वैसे मैनपुरी यादवलैंड कहे जाने वाला करहल सीट काफी हॉट सीट बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर रही है। बात अगर वहीं करहल सीट के कुल वोटर्स की करें तो यहां पर 1,44,000 के लगभग यादव वोटर्स हैं। वहीं मुस्लिम वोटर्स लगभग 14,000 हैं। वहीं अन्य जाति के वोटर, जाति ठाकुर ब्राह्मण शाक्य 1.5 लाख के पास है। वहीं अब यह देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा दिखाती है, जनता किस पर विश्वास दिखाती है। वहीं हमारे संवाददाता दिलीप महोबा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, वहां के मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था है, लोग क्या मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि काफी अर्से बाद ये जो वोटरों का उत्साह देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं भारी संख्या में लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और लोगों की लंबी लंबी लाइनें ये दिखाती हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस बार मतदान टूटेगा। और लोग खासकर के जो साइलेंट वोटर है, या महिला वोटर हो या अन्य जो वोटर है, साइलेंट वोट है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएगा और इनका मूड भापने में बड़े बड़े राजनीतिक हो या बड़े बड़े चुनाव विश्लेषक हो, वो भी कहीं ना कहीं इनका मूड नहीं भाप पाए हैं। और जैसा कि लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, प्रशासन ने वो मतदान के लिए शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए 4-54 सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की है। लगातार जोनल मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट और उसके अलावा पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा, अन्य अधिकारियों द्वारा लगातार पूरे जिले में मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरे जिले में दौरे कर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण व बेहतर ढंग से संपन्न हो। जिलाधिकारी ने भी लोगों से अपील की थी कि सभी लोग 100% मतदान में भागीदार बने और अपने कर्तव्यों का पालन करें। जी दिलीप, बात अगर महोबा की, जनता की जाए तो क्या आपने वहां के मतदान केंद्र पे जो मतदाता आ रहे हैं, आपने उनसे बात किया कि वो किस मुद्दे पर इस बार मतदान करेंगे, उनका मुद्दा क्या है? आपको बता दें कि हमने जो युवा मतदाता है, युवा मतदाताओं के मन में एक रोजगार का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इस बार का चुनाव आपको बता दें कि महोबा में बिल्कुल पिछले चुनावों से उलट दिखाई दे रहा है। यहाँ ना तो कोई धर्म का मुद्दा रह गया है और जातीय समीकरण जो अपना अपना गणित सभी पार्टियां लगा रही थी, उसको कहीं ना कहीं जनता ने ध्वस्त कर दिया है और इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोग विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर और बेहतर सुविधाओं के नाम पर वोट करने के लिए निकल रहे। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं हैं। माता जी, एक मिनट जी, बिल्कुल दिलीप, आप बिल्कुल बात करें वहाँ के वोटर से और जाने की वो किस मुद्दे पर वोट दे। बताइए क्या मुद्दा रहेगा वोटिंग में आपका? आप देख सकते हैं यहाँ महिला वोटर है, ये भी है। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार किस क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने के लिए? बढ़िया रहेंगे। अच्छा, वोट डालने जा रहे हैं? भीड़ लगी है? लगी है। अच्छा, तो आप देख सकती हैं यहाँ लोगों की, महिलाओं की खासी तादाद देखने को मिल रही है और युवाओं की भी अच्छी खासी तादाद में युवा निकल रहा है वोट के लिए। कहीं ना कहीं ये संकेत है कि अब वो मतदाता है वो जागरूक हो गया है और साइलेंट वोटर का खास करके बड़ा महत्व इस चुनाव में रहने वाला है। जी दिलीप,
पहले भी 2019 के चुनाव में ऐसा देखा गया था कि महिला शांत वोटर के रूप में एक बड़ी संख्या में सामने आई थी। ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का और बड़े बड़े राजनीतिकों का कहना था कि 2019 में तीन तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी और भी महिलाएं बड़े शांत वोटर के रूप में सामने आई थी। दिलीप, और भी वहाँ महिला वोटर्स और भी वोटर्स मतदाता मौजूद है, क्या आप उन लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या उनका मत है, किन मुद्दों पे वो वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जो पिछली बार जो माइनॉरिटी का वोट था वो तीन तलाक के मुद्दे को लेकर कहा गया था, दावे किए गए थे कि बीजेपी को बड़ी तादाद में वोट दिया था, और इस बार भी आपसे बता दें कि जो माइनॉरिटी वोट है वो साइलेंट वोटर माना जा रहा है और महिलाएं भी हैं। हम अभी बात करके आपसे जानते हैं कि आखिरकार ये बताइए, अरे सुन तो लीजिए, वो शर्मा रही है, वो बात करने से कटरा रही है दिलीप, जैसे कि कहा जा रहा है ना कि महिलाएं शांत वोटर के रूप में सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, साइलेंट वोटर है जो उसका इस चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा, और लेकिन ये देखने वाली बात ये है कि इस बार लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अब ये वोटर का एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के प्रति, सरकार के पक्ष में जा रहा है ये मुद्दे, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा इस बार के मुद्दे विकास और स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार को लेकर है, और यही वजह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा, और अभी जो 9 बजे प्रतिशत आएगा मतदान का, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है उससे देखने को मिलेगा कि लग रहा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। जी जी, लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है, लोग मतदान केंद्रों पर सुबह से ही पहुंचना शुरू कर दिए। दिलीप, जगह जगह से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आ रही है, क्या महोबा से ऐसी कोई खबर अभी तक सामने आई है? महोबा में प्रशासन ने ईवीएम मशीन को लेकर कल जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खुद मौके पर पहुंचकर पूरी जांच पड़ताल के बाद टीमों को रवाना किया था। अभी तक फिलहाल में महोबा जनपद में कहीं भी ईवीएम खराब होने की या कोई ऐसी मतदान में बाधा उत्पन्न होने की कोई खबरें अभी तक ना मिली है, और लग रहा है कि बेहतर ढंग से मतदान होगा, और महोबा जनपद के करीब 6.5 लाख मतदाता इस बार अपनी पसंद के प्रत्याशी का चुनाव करने जा रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप, थोड़ी देर में फिर से हम आपसे जुड़ेंगे, आप वहाँ की जनता का मत जानते रहे और बिल्कुल नजर बनाए रखिए कि मतदान केंद्र पर किस तरीके से, क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, कोविड गाइडलाइन का फॉलो हो रहा है या नहीं। हमारे संवाददाता दिलीप महोबा से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि वहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही है। साफ साफ उनका कहना है, वहाँ के युवाओं का कहना है कि इस बार युवा रोजगार के मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, जाति धर्म से हटकर इस बार का चुनाव होने वाला, इस बार का युवा सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट देगा। बात अगर 80+ की भी करें तो 80+ भी यही देख रहा है कि उनके बच्चों के लिए रोजगार के कितने अवसर में। वहीं अगर बात है तीसरे चरण की चुनाव की करें तो आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। तीसरे चरण का चुनाव 16 जिले के 59 सीटों पर होना, 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं अवध पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड में मतदान है आज। पश्चिमी यूपी में 5 जिले हैं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, एटा, हाथरस। वहीं अवध में 6 जिले हैं, अवध के 6 जिलों में होने हैं, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा। वहीं बुंदेलखंड के 5 जिलों में आज चुनाव है, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। वहीं बात अगर तीसरे चरण के चुनाव के कुल मतदाताओं की करें तो 2,15,75,000 कुल मतदाता हैं। वहीं पुरुषों की संख्या 1,16,12,000। वहीं थर्ड जेंडर भी 1,096 वोटर्स हैं। कई सीटें इस बार हॉट सीट बनी हुई हैं। वहीं कुल 26 दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनको अपनी साख बचानी है। तो वहीं करहल सीट, जसवंत नगर सीट, अगर बात महाराजापुर सीट की जाए तो महाराजापुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सतीश महाना, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना खुद चुनावी मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहीं फतेह बहादुर सिंह सपा से महाराजपुर सीट से। वहीं अगर बात सलीस विश्नोई की जाए तो सलीस विश्नोई भाजपा के सीसामऊ सीट से हैं। हाजी इरफान सोलंकी सपा से सीसामऊ सीट पर, ये दोनों हाजी इरफान सोलंकी और सलीस विश्नोई आमने सामने हैं। इस बार कई सीटें हॉट सीट भी हैं, कई राजनीतिक दिग्गज की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वहीं हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से आपसे जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं वहां के मतदान केंद्रों पर जमीनी क्या कुछ चल रहा है। राम ऋषि संवाददाता कन्नौज से हमारे साथ जुड़ेंगे।
राम ऋषि, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं मतदाताओं को लेकर वहां के मतदान पर, मतदान केंद्र पर? जो है मतदान हो रहा है इस समय, और पूरी तरह से जो है आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं, और पूरी तरह से CRPF हो या पुलिस, स्थानीय पुलिस हो, मौके पर जो है वहां पर पहुंच रही है और पड़ताल कर रही है। बिल्कुल शांतपुर से इस समय मतदान चल रहा है जी। ऋषि, असीम अरुड़ जो है वो कन्नौज के 80 सीट से है, और वही अगर बात किया जाए मेजर सुनील दत्त की तो वो भी है, तो असीम अरुड़ को लेकर के वहां की जनता का क्या है? एक हॉट सीट बना हुआ असीम अरुड़ की वजह से, तो उन पर क्या जनता का राय है? जी, ऐसा है कि असीम अरुड़ जो है चुनाव लड़ रहे हैं, BRS लेकर यहाँ पर आए हैं, उनको कुछ उम्मीद है कि यहाँ से हो सकता है कि हम BJP से जीत हासिल करें, लेकिन जो है यहाँ पर जो है बहुत वोटर जो है शांतपुर ढंग से वो जो है चुनाव वोट डाल रहा है, साइलेंट जो है वोट है, और सबकी जो निगाहें हैं उनकी तरफ जो है कन्नौज सीट पर, सबकी निगाहें हैं कन्नौज सदर सीट पर। जी भाई, अनिल कुमार जो है वो सपा से कन्नौज की 80 सीट पर ही है, तो इन दोनों में कितना टक्कर देखने को मिल रहा है, क्योंकि असीम अरुड़ एक जाना माना चेहरा है, एक बड़ा चेहरा कहा जाए, VRS दे के आने के बाद वो काफी चर्चा में भी रहे हैं, तो इन दोनों में कितना टक्कर देखने को मिल रहा है? देखिए, जो वर्तमान जो हैं, वर्तमान जो विधायक थे और उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व है, कई बार जो है विधायक रह चुके हैं, अब असीम अरुड़ जो है वो आए हैं, और उसके बाद जो है वो कार्यकर्ता के ऊपर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता हो या उनके जो भाजपा ने जो मुद्दे और योजनाएं जो की थी 2017 से 22 तक, उस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई उनका खुद का वोट अभी नहीं है। जी जी, राम ऋषि इस पे वापस आएंगे, पहले आप वहां के मतदाताओं से बात करके बताएं दर्शकों को कि कन्नौज की मतदाता का मुद्दा क्या है इस चुनाव में, किस मुद्दे पर कन्नौज की जनता इस बार वोट देगी, अपने मत का इस्तेमाल किन मुद्दों पर करेगी? जी, ये जो है मतदान देकर ये आए हैं मेरे साथ, हम जानेंगे कि किन मुद्दों पर ये वोट करके आए। भैया क्या नाम है? रंजीत कुमार पांडे। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट करके आए हो आप? ये गुंडागर्दी थोड़ी समाप्त हुई है योगी की सरकार में, उस मुद्दे पे करके आया। अच्छा, अहम मुद्दा क्या था आपका, क्या था अहम मुद्दा? अहम मुद्दा यही है कि जो गुंडागर्दी हो रही थी वो उस पर लगाम लगी है बाबा जी की सरकार में। अच्छा, हाँ भैया क्या नाम है? मोहम्मद कामरान। अच्छा कामरान जी, क्या किन मुद्दे पर आप वोट करके आए हो? भी बेहतर शासन और सुशासन के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहन कुमारी मायावती को वोट दिया है, बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन इसलिए कि बहन जी के शासन में ही महिलाएं सुरक्षित हैं, दलित शोषित वंचित सुरक्षित हैं, और बहन जी के शासन में ना तो किसी को घोड़े से उतार के मारा जाता है और ना किसी पर अत्याचार किया जाता है, इसलिए बेहतर शासन के लिए दलितों शोषितों वंचितों की आवाज के लिए बहन कुमारी मायावती को वोट दिया है। अच्छा कामरान जी, आप मुस्लिम समाज से आते हो, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो सपा का है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सैयद उसैब अहमद साहब की वालदा लड़ रही है, जो बसपा प्रत्याशी जो है वाहिदा बानो जुही सुल्तान, मुस्लिम समाज एक तरफा उनके पक्ष में मतदान कर रहा है, और दलित समाज भी भारी संख्या में इस बार जो है मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। जो लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी कहीं टक्कर में नहीं है, लेकिन अब आज देख लें कि मुस्लिम समाज बिल्कुल एक तरफा मतदान वाहिदाबानों के लिए कर रहा है, और दलित समाज भी शोषित वंचित लोग भी वाहिदाबानों को मतदान कर रहे हैं। निश्चित ही ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ये सीट जीतेगी। अच्छा, ताहिर जी दावेदारी कर रहे थे सपा से, उनको टिकट नहीं दी गई, इस पर तो कोई मुस्लिम तो नाराज नहीं लग रहा है आपको? देखिए, ताहिर जी से सारा मुस्लिम समाज इसलिए नाराज है कि उन्होंने केवल 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया, जब उन्हें टिकट नहीं मिला था उन्होंने बगावत की थी, और सबने तभी मन बना लिया था कि हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन आज ताहिर का कोई फैक्ट नहीं चल रहा है, ताहिर का किसी तरीके का कोई फैक्ट नहीं है, उनके सपा में जाने का भी मुस्लिम समाज पर कोई असर नहीं पड़ा है, बिल्कुल बसपा की आंधी चल रही है, आप ये समझ लीजिए। अच्छा, आप वोट करके आए हो अभी? जी सर। किस मुद्दे पर वोट करके आए हो? जी यही है कि लूटपाट कम है, ठीक है, महिला सुरक्षित हैं, और बहुत सी बातें हैं, मतलब कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं बहुत सी, मतलब लेडीजें परेशान रहती हैं, दिन में निकल नहीं पाती थी, किसी की चैन छिन रही है, किसी की कुंडल छिन रही है, तो इन सबसे बहुत राहत है, रात में किसी भी टाइम निकल सकते हैं आप,
ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पहले जैसा डर का माहौल नहीं है और ये शासन भी अच्छा है। मैं इसीलिए भाजपा को वोट करके आया हूँ। भैया हाँ, किस मुद्दे पर वोट करके आए हैं आप? हम तसल्ली से वोट डाल के आए हैं हाथी पे, और हमारा नाम है हकीमुद्दीन, मोहम्मद हकीमुद्दीन जी। और ताहिर हुसैन सिद्दीकी का कोई फेंक नहीं चला, मुसलमान सब एक तरफा बहुजन समाज पार्टी में वोट दे रहा है, उनका खेल हो गया खत्म। अच्छा। पहले तो बहुत उनके साथ में थे मुस्लिम समाज के लोग, आप इनसे मुद्दे जाने की किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? सब बेकार हो गया। नहीं, आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, अहम मुद्दे क्या थे आपके कार्यकाल में? शासन प्रशासन बिल्कुल सही चलता है और आवाम को बहुत आराम मिलती, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, आप वोट डाल के आए हो, क्या किन मुद्दों पर आप वोट डाल के आए हो? पहला मुद्दा तो यही है कि जो भाजपा सरकार ने ये राम मंदिर के लिए बोला था ना कि राम मंदिर बनाएंगे, तो वो बनाया उन्होंने, करके दिखाया, और क्या है। सबसे पहला तो यही रीजन रहा, उसी के लिए वोट किया है भाई। राम मंदिर बनाया ना उन्होंने, जो सभी लोग कहते थे राम मंदिर कभी बनाएंगे नहीं भाजपा, तो बना के दिखाया उन्होंने, और क्या है। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से मतलब प्रशासन शासन है वो सख्त रहता है, और जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, बेवजह परेशान नहीं की जाती है, और क्या, यही सब रीजन रहा वोट करने में जी। तो जी, आपने सुना, यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था को देखकर पब्लिक वोट कर रही है, उनके मुद्दे जो है कानून व्यवस्था ठीक दिखाई दे रही है यहाँ कन्नौज में जी। रामऋषि, वहाँ की जनता से बात करके साफ यही सामने आ रहा है कि वहाँ की जनता कानून व्यवस्था को लेकर वोट करेगी, लेकिन असीम अरुण जिसे उसे वीआरएस लेकर प्रशासन की ओर से वहाँ पर गए हैं, तो क्या असीम अरुण की पैट इनमें नहीं दिख रही है? देखिए, असीम अरुण और सपा जो है जो दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी है जी, असीम अरुण भारतीय जनता पार्टी से हैं और जो है सपा प्रत्याशी हैं, उनकी कांटे की टक्कर बताई जा रही है वहां से, लेकिन उनका कोई अहम रोल नहीं दिखाई पड़ रहा है असीम अरुण जी का। जी जी रामऋषि, अगर बात वहां की महिला वोटर्स की करें तो महिला वोटर्स के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं मतदान केंद्रों पर? महिला वोटरों के लिए जो है सुविधाएं पूरी तरह से जो है, मास्क लगाकर जा रही हैं महिलाएं और हाथ में जो है वो पहन के जा रही दस्ताने वगैरह। जी जी, प्रशासन की किस तरह की मुस्तैदी है मतदान केंद्रों पर? प्रशासन की जो देखिए, स्थानीय पुलिस जो है वहां पर जा रही है, और खासकर जो है जिले के जो आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंच रहे हैं, सीआरपीएफ लगी है, बीएसएफ लगी है मौके पर, और कोई जो है शांतपूर्ण ढंग से जो है कराने के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही है। जी जी रामऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल अपनी नजर मतदान केंद्र पर बनाए रहे, वहां से जायजा हमें देते रहे कि किस तरह से कन्नौज में मतदान हो रहा है। हम थोड़ी देर में आपसे जुड़ेंगे। हमारे मतदाता रामऋषि कन्नौज से जुड़े हुए थे। कन्नौज की जनता का साफ एक ही मुद्दा सामने नजर आ रहा है, जो मतदाताओं से बात करके हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां की जनता कानून व्यवस्था को लेकर वोट दे रही है। तो अलग अलग जगह की जनता का अलग अलग अपना मंत है, कहीं की जनता विकास के मुद्दे पर वोट दे रही है, तो कहीं की जनता रोजगार के मुद्दे पर वोट दे रही है, तो कहीं की जनता कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के मुद्दे पर अपना मतदान कर रही है। आपको बता दें, आज तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वहीं तीसरे चरण का मतदान 16 जिले के 59 सीटों पर हो रहा है। 627 कुल उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं अवध पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड में मतदान हो रहा है, कई सीटें हॉट सीट भी बनी हुई है, कई दिग्गजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी इस तीसरे चरण में दांव पर लगी है। कुल 26 दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जो जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है, करहल सीट से लड़ रहे हैं यह चुनाव। वहीं भारतीय जनता पार्टी से एसपी सिंह बघेल भी हैं। अगर बात करहल सीट की जाए तो करहल सीट हॉट सीट रहा है, यादव लैंड कहे जाने वाला करहल सीट हॉट सीट बना रहा है। वहीं एसपी सिंह बघेल भी कई तंज कसते हुए नजर आए। करहल में भारतीय जनता पार्टी कड़ी मेहनत करती नजर आई, चाहे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सभी ने करहल में रैलियां की, जनसंपर्क किया और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। और उन्होंने यह भी कहा कि इस बार की जीत करहल की सीट पर हमारी होनी है। वहीं अगर बात शिवपाल यादव की करें तो शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से चुनावी मैदान में है। विवेक शाक्य भारतीय जनता पार्टी से उनके सामने खड़े। वहीं
भारतीय जनता पार्टी में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना महाराजपुर से भाजपा की सीट से चुनावी मैदान में है। फतेह बहादुर सिंगल सपा से महाराजपुर सीट से उनके सामने खड़े हैं। सलीश विश्नोई भारतीय जनता पार्टी से सीसामऊ की सीट पर हैं। वहीं हाजर अफान सोलंकी सपा सीसामऊ की सीट से सामने मैदान में है। रामवीर उपाध्याय की बात की जाए तो रामवीर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। सादाबाद सीट से रामवीर उपाध्याय चुनावी मैदान में, वहीं रालोद से प्रदीप चौधरी गुड्डू सादाबाद सीट से चुनावी मैदान में है। बात अगर लुईस खुर्शीद की जाए तो लुईस खुर्शीद भी जाना माना चेहरा है। वह कांग्रेस से फर्रुखाबाद से चुनावी मैदान में है। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी से फर्रुखाबाद में। वहीं अगर बात की जाए असीम अरुड़ की तो वीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद असीम अरुड़ अब कन्नौज की 80 सीट से चुनावी मैदान में है। वहीं अनिल कुमार सपा से कन्नौज में दोनों आमने सामने हैं। हरिओम यादव भारतीय जनता पार्टी सिरसागंज से चुनावी मैदान में। हरिओम यादव भी एक जाना माना चेहरा है समाजवादी पार्टी का, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का। हरिओम यादव एक जाना माना चेहरा है। बात अगर अजय कपूर की करें तो अजय कपूर कांग्रेस से किदवई नगर से चुनावी मैदान में है। महेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से किदवई नगर से चुनावी मैदान में है। महेश त्रिवेदी एक दिग्गज नेता है, राजनीतिक पैठ रखने वाले दिग्गज नेता है महेश त्रिवेदी। अपने कहा जाता है कि अपने विधानसभा सीट पर उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। वहीं रघुनंदन सिंह भदौरिया भाजपा से कैंट सीट पर है। मोहम्मद हसन रूमी सपा से कानपुर कैंट पर है। वहीं बात अगर विनीता साग की करें तो कांग्रेस मैनपुरी से। वहीं अर्चना पांडे भी चुनावी मैदान में है। भाजपा छिबरामऊ से अर्चना पांडे चुनावी मैदान में। वहीं नीलिमा कटियार भारतीय जनता पार्टी कल्याणपुर से चुनावी मैदान में। करिश्मा ठाकुर कांग्रेस गोविंद नगर से चुनावी मैदान में है। ब्रजभूषण राजपूत भारतीय जनता पार्टी से चरखारी विधानसभा से चुनावी मैदान में है। राकेश गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी महोबा से चुनावी मैदान में है। अगर बात कमलेश कुमार श्रीवास की जाए तो कांग्रेस राट की सीट से यह चुनावी मैदान में है। तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, शाम के 6 बजे तक ये मतदान चलना है। तीसरे चरण का चुनाव 16 जिलों की 59 सीटों पर आज है। 627 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है। कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दिग्गज अपनी जान झोंक देते हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, सभी दिग्गज चुनावी 2022 के चुनाव के लिए अपनी जान झोंक दिए हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ, और 2022 विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमेशा से जो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति का जातिगत समीकरण रहा है, चुनाव का ध्रुवीकरण हमेशा से जाति पर आधारित रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का एक अलग जो स्लोगन आया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसको लेकर उन्होंने 40% टिकट महिलाओं को देने की बात कही थी, और कई ऐसे मुद्दे उन्होंने महिलाओं के लिए उठाए थे, जिसके बाद से उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का ध्रुवीकरण महिलाओं को बना दिया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस 2022 विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के कई अहम ऐसे मुद्दे भी रहे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अपने अहम मुद्दे रहे। भारतीय जनता पार्टी भी कमान तमाम रैलियों में अपनी जान झोंक दी, सभी दिग्गज।
चरण का चुनाव 16 जिलों की 59 सीटों पर हो रहा है। 627 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में हैं। अवध पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड में मतदान हो रहा है। वहीं यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस में चुनाव हो रहा है। कई जगह से हमारे संवाददाता आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों की जनता, अलग अलग जिलों की जनता किन मुद्दों पर अपना मत दे रही है, किन मुद्दों पर अपना मतदान कर रही है। वहीं आपको बता दे कि फर्रुखाबाद से संवाददाता सुंदरम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुंदरम, फर्रुखाबाद की जनता का मुद्दा क्या है इस बार वोट करने का? फर्रुखाबाद की जनता का जो प्रमुख मुद्दा है वो विकास नजर आ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि 5 वर्ष के कार्यकाल में चाहे वो विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार के द्वारा जो किया गया विकास हो, लेकिन जो जनता का एक बड़ा मुद्दा नजर आता है कि विकास है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा था और लिंक एक्सप्रेस वे के माध्यम से उसे कहीं ना कहीं शांत करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी जो अन्य कार्य है कहीं ना कहीं विकास के मामले में फर्रुखाबाद आसपास के जिलों से पिछड़ा नजर हुआ आता है। आप जैसे जानना चाहेंगे कि जो कन्नौज फर्रुखाबाद जिले से ही निकला हुआ जिला था, उसमें फर्रुखाबाद से बहुत अधिक विकास हो चुका है। वहां पे एक्सप्रेस वे है, वहां पे फ्लाई ओवर है, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, लेकिन फर्रुखाबाद कहीं ना कहीं इन चीजों में पिछड़ा हुआ नजर आता है। तो इस बार फर्रुखाबाद की जनता एक सबसे बड़ा मुद्दा विकास को लेकर चल रही है। जी सुंदरम, फर्रुखाबाद में कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्रुखाबाद सदर सीट से पूर्व विदेश मंत्री जो रहे हैं सलमान खुर्शीद, उनकी पत्नी कांग्रेस से लुईस खुर्शीद मैदान में है। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि अमृतपुर से समाजवादी पार्टी से 5-6 बार से अधिक विधायक रहे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव को टिकट नहीं मिला, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। और पूर्व मंत्री व कद्दावर नेता जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनके जो पुत्र हैं मेजर सुनील द्विवेदी, वो इसमें वर्तमान विधायक भी हैं फर्रुखाबाद सीट से, वो भी इस बार चुनावी मैदान में दाखिल हो रहे हैं। जी वहाँ पे महिला वोटर्स के लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था की गई है सुंदरम? जी महिला वोटर्स के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग से वहाँ पर उनके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं और अलग से उनके लिए वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही हैं। और मैं आपको जहाँ बताना चाहूंगा, जहाँ पे खड़ा हूँ एक आदर्श बूथ सेंटर है, एक क्रिश्चियन कॉलेज का यहाँ पे आदर्श बूथ सेंटर से बनाया गया है। और यहाँ पर जो भी मतदान के लिए आ रहा है स्काउट गाइड की टीम्स के द्वारा उन्हें मालाएं पहनाकर उनके ऊपर फूल डालकर उनका स्वागत किया जा रहा है। जी सुंदरम, क्या आपने वहाँ की मतदाताओं से बात करने की कोशिश की कि वहाँ के मतदाताओं का मत क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट दे रहे हैं? अगर आप उनसे बात करके हमारे दर्शकों को बताएं कि फर्रुखाबाद की जनता का क्या मुद्दा है, वो किन मुद्दों पर वोट दे रही है। सदर सीट से यहाँ पे जो मतदान के लिए लोग आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि हमारा जो मुख्य मुद्दा विकास है और सबसे जो दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या रहती है फर्रुखाबाद सदर की, यहाँ पे की जो सीवर की समस्या है कि गलियों में पानी भर जाता है, थोड़ी सी बारिश होने में गली तालाब बन जाती है, उसकी समस्या को भी वो ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं वोट कर रहे हैं। जी दिव्यांगजनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है सुंदरम फर्रुखाबाद के मतदान केंद्रों पर? जी दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर ट्राई साइकिल भी उपलब्ध कराई जा रही है, जो बुजुर्ग मतदाता है उनके लिए सरकार के द्वारा वाहन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि उनको घर से लेके आएंगे और मतदान करा के घर पे छोड़ेंगे। और दिव्यांगों के लिए यहाँ पे बूथ सेंटर्स पे ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई है। युवाओं का क्या मत है? युवा सबसे अहम रोल निभाता है, युवा रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, युवाओं का क्या मत है सुंदरम? जी युवाओं का यहाँ पे मत कहीं ना कहीं वो ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो योगी सरकार है उससे कहीं ना संतुष्ट नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता की पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जी सलमान, अगर हम बात करें सुंदरम फर्रुखाबाद की जनता का, तो फर्रुखाबाद की जनता का विकास मुद्दा है, क्या वहाँ की महिला वोटर्स ने किसी से आपने बात की, महिलाओं का अपना क्या कुछ अहम मुद्दा है? जी कहीं कहीं जो महिला वोटर है उनका जो मुद्दा रहता है, चाहे वो गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ, तो कहीं कहीं वो महिलाओं के लिए समस्या का समस्या बन रही है। क्योंकि जो कहीं कहीं गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए, लेकिन जो महिलाओं को और से सहूलियतें दी जा रही है, चाहे वो राशन जुड़ी हुई है, महिलाओं के लिए जो भी सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, कहीं कहीं जो महिला वोटर है संतुष्ट नजर आ रही है और कहीं कहीं सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए और अपील भी कर रही है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि फर्रुखाबाद सदर सीट से महान दल गठबंधन जो समाजवादी पार्टी से है, वो सुमन मौर्य प्रत्याशी है, जो केशव देव मौर्य महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पत्नी है। तो कहीं ना कहीं जो महिला वोटर है साथ के जो उनका जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है और यहाँ पे फर्रुखाबाद सदर सीट से कांटे की टक्कर भाजपा प्रत्याशी व सपा महान दल गठबंधन प्रत्याशी की नजर आ रही है। जी सुंदरम, थोड़ी देर में आपके पास लौटेंगे, आप मतदान केंद्रों पर नजर बनाए रखिए कि वहाँ की जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है। हमारे संवाददाता सुंदरम फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से महिला वोटरों का क्या मुद्दा है, युवाओं का क्या मुद्दा है, वहाँ के लोग किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार आपको ग्राउंड से रिपोर्ट बता रहे हैं कि
इस विधानसभा में जनता का मुद्दा क्या है, जनता किस मुद्दे पर वोट दे रही है, जनता चाहती क्या। कई जगहों से अलग अलग आंकड़े निकल करके आए हैं, कहीं विकास के मुद्दे हैं तो कहीं रोजगार के मुद्दे हैं। तो इस बार की जनता किसी बहकावे में ना आकर कई जाति धर्म के मुद्दों से हटकर से विकास के मुद्दों पर दे रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव ने आज सफाई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी जीत मिलेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने भी मतदान किया है, महाराजपुर के हरदोई इंटर कॉलेज में मतदान किया है उन्होंने। सतीश महाना ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं सतीश महाना ने लोगों से वोट करने की भी अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी मतदान किया। कायमगंज के में लुईश खुर्शीद ने भी मतदान किया। सलमान खुर्शीद की पत्नी है लुईश खुर्शीद, खुद भी चुनावी मैदान में है। वहीं बता दें सफाई के अभिनव कॉलेज में वोटिंग जारी है। राम गोपाल यादव ने भी मतदान किया। राम गोपाल यादव ने अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं हमारे संवाददाता रिजवान कानपुर नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजवान, वहां की जनता किस मुद्दे पर वोट दे रही है कानपुर नगर की? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त रोटी कपड़ा और मकान शिक्षा और चिकित्सा को लेकर कानपुर शहर की जनता वोट कर रही है। लगातार वोटों पे भीड़ भी नजर आ रही है। वहीं देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा जो जनता है वो बेरोजगारी के मुद्दे को ध्यान रखते हुए वोट कर रही है। जी रिजवान, वहाँ पे कई सीटें हॉट सीट बनी हुई है, दिग्गज कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। बात अगर किदवाई नगर से महेश त्रिवेदी की जाए, और भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में है, तो क्या इस वक्त स्थिति है और कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है? नीलमा कटियार, सतीश महाना, अजय कपूर, महेश त्रिवेदी, ये सब बड़े दिग्गज नेता हैं जो कि चुनावी मैदान में उतर कर रहे हैं। अगर बात सतीश महाना की जाए तो सतीश महाना मौजूदा सरकार में मंत्री हैं और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या उनकी अपनी पैठ नजर आ रही है अभी? राजदीप, उनका देखा जाए तो उस विधानसभा में सतीश महाना भी है और गिल तेज बहादुर गिल भी है, और वहीं पर कांग्रेस के कनिष्ठ पांडे भी है। तो कहीं ना कहीं सतीश महाना एक बड़े नेता है, उनको देखते हुए उनका विपक्ष में विपक्ष के बारे में ज्यादा कहा नहीं जा सकता, बस ऐसा कहा जा सकता है कनिष्ठ पांडे और तेज बहादुर उनके आगे चुनाव लड़ सकते हैं, बस उनके बराबर का नहीं। जी, आपने क्या वहाँ के वोटरों से बात करी कि वहाँ की वोटर्स, वहाँ की जनता किस मुद्दे पर वोट दे रही है? वहाँ पर जनता का यही कहना है सबसे ज्यादा मुद्दा तो वहाँ पर बेरोजगारी बना हुआ है। वहीं अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का स्तर भी थोड़ा कम नजर आता है। तो जनता यही चाह रही है लगातार कि बेरोजगारी, शिक्षा और चिकित्सा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। युवाओं के लेकर जहाँ बेरोजगारी का मुद्दा आए दिन उठता रहता है, वहीं युवाओं को लेकर जहाँ पर हम युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को नौकरी का मुद्दा, युवाओं को नौकरी का, बेरोजगारी का, और बहुत सारे लोगों को युवाओं इस बात को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की तैयारियों में। जी रिजवान, वहाँ की महिला वोटर्स का क्या कुछ कहना, वहाँ की महिला वोटर्स किन मुद्दों पर वोट दे रही है, क्या उनके अपने मुद्दे हैं? महिला के अपने मुद्दे हैं, गैस 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 को लेकर, रसोई गैस को लेकर उनके मुद्दे, व महिला सशक्तिकरण के दावे कहीं ना कहीं कानपुर में फेल होते रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के दावे को अच्छे से बनाने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं वो उनका कहना यह है, साफ कहना उनका नजर आ रहा है, हम सरकार बदलकर महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करना चाहते हैं। कि महिला सशक्तिकरण के लगातार दावे तो किए गए, वहीं कहीं ना कहीं महिलाओं के दावे फेल भी होते नजर आए हैं कानपुर में। रिजवान, कानपुर में दिव्यांगजनों के लिए मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ, ये निर्वाचन आयोग की तरफ से और कानपुर डीएम की तरफ से भी व्यवस्थाएं, अच्छे व्यवस्थाएं, सुधारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई। व्यवस्थाओं को लेकर व्हील चेयर और काफी कुछ, काफी सारा इंतजाम किया गया है जिससे वोटर्स को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। 80% मतदान है लगातार अभी जारी है। वही निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग भी लगातार मौका मुआयना कर रहा है, प्रशासनिक अमला भी लगातार मौका मुआयना कर निगरानी कर रहा है। रिजवान, कई जगह से ईवीएम खराब होने की भी खबर सामने आई है, तो क्या कानपुर से ऐसी कोई खबर इस वक्त सामने आ रही है? मैम, अब तक तो देखा जाए अभी तक कानपुर शहर में, शहर के अंदर ऐसी कोई मामला सामने नहीं आया कि ईवीएम को लेकर कोई बात की जाए। वही मामला ये आया है दूसरा कि कुछ कुछ बीजेपी के नेताओं ने फोटो भी शेयर किया, इस पर कानपुर डीएम ने मुकदमा भी दर्ज किया। जी सलमान, वहाँ पे कानपुर में क्या कुछ कोरोना कोविड
कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा रहा है और उसको फॉलो कराने के लिए प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? लगातार मास्क सैनिटाइजर का यूज करवा रही है और कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और अभी तक जो देखा गया है कोविड गाइडलाइन का अभी तक पूर्ण पालन कराकर ही वोटर से वोटिंग कराई जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप वहाँ के मतदान केंद्रों पर बिल्कुल नजर बनाए रखिए, अपडेट हमारे तक पहुँचाते रहे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि कानपुर में किस तरह से व्यवस्था है, क्या कुछ मुद्दे वहां पे। कानपुर से कई राजनीतिक दिग्गज चुनावी मैदान में है। बात अगर महेश त्रिवेदी की जाए तो महेश त्रिवेदी किदवई नगर से चुनावी मैदान में, वहीं भारतीय जनता पार्टी में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी चुनावी मैदान में है। नीलिमा कटियार भाजपा कल्याण, वही करिश्मा, कई ऐसे दिग्गज है चुनावी मैदान में है। कानपुर से भी है महेश त्रिवेदी भाजपा किदवई नगर, अजय कपूर जो कांग्रेस से किदवई नगर की सीट पर है। तीसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। प्राइम टीवी की टीम की आपसे खास गुजारिश, अगर आपके जिले में भी हो रहा है मतदान तो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी चुनावी अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।